hello everyone how are you all welcome to my youtube channel so today in this video we people are going to have discussion on chapter 8 of indemnity and guarantee of which subject of indian contract act 1872 i have already covered of part 1 and part 2 of this video this is part 3 of this indemnity and guarantee chapter and multiple choice questions

तो बताइए बोलता है कि ना कॉन्टिन्यूंगी में ऑप्शन के लिए एस टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑप्शन बी एस टू द पास ट्रांजेक्शन ऑप्शन सी एस टू द पास एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑप्शन डी अंटिन्यूइंग गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल नो तो बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन

सेक्शन करो इंडियन बात करता है उस पोर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डेट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑप्शन लाइबल है उतना श्योरिटी लाइबल है अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज इट इज को एक्सटेंसिव विद डेट ऑफ द प्रिंसिपल डाटा द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी काफी इजी है आई होप यू पीपल नो डू यू नो गुड what question 3 says it says that which of the following statement is correct option a liability of two persons primary liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default option b liability of two persons secondary liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default option c liability of two persons primary liable affected by

ये सेक्शन 132 के ऊपर डील करता है चलो आई हैव इंट मेड वीडियो रिगार्डिंग दिस लेट एस हैव डिस्कशन टुडे ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 132 इन दिस वीडियो ठीक है आई हैव सीन मेनी पीपल अर्लियर इन माय वीडियोस कमेंटिंग मैम यू हैवंट अपलोडेड सेक्शन 132 सो डियर वंस लेट हैज लेट वी डिस्कस टुडे नाउ देखो 132 बात करता है लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस primary liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default this particular option a is the correct aap dekh sakte ho it is correctly matching so the, first of all this statement is the correct what section 132 says it says that where open your bare act if you people are having it says that where two persons contract with third persons to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other the third person not being a party to such contract the liability of each of such person to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract although such third person may have been aware of the existence means

according to primary contract they both are liable to C, uh, z ठीक है दोनों liable है z को इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जैसे ये प्रिंसिपल डेटर है ये सिक्योरिटी इन दोनों के बीच में अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बोलता है कि अगर इफ यू विल डू डिफॉल्ट आई विल पे यू ऑन योर बिहाफ और तो इनके बीच में अलग अंडरस्टैंडिंग है ठीक है और अब यहाँ पे a this

वो बोलता है कि वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन लाइबिलिटी एक्स एंड वाई दे बोथ आर टू पर्सन दे कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन जेड टू टेक सर्टेन लाइबिलिटी ओके नाउ दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर इन दोनों का एक दूसरे ये लोग अपने एक इन दोनों का अपने साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दोनों फॉर्म करते हैं मतलब इन दोनों का वन कॉन्ट्रैक्ट दे पीपल आर सेपरेटली हैविंग और यहाँ पे एक्स एंड वाई जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो वो ये हुआ है डेट वन ऑफ देम शेल बी लाइबल ऑन द डिफॉल्ट ऑफ दी अदर ये कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ अलग करते हैं द थर्ड पर्सन नॉट बींग पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट येस क्योंकि एक्स वाई और जेड का अलग कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे इन दोनों का दे आर हैविंग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट Now the liability of each of such two persons to the third person, ठीक है, under the first contract is not affected by the second contract. Means Z has to do nothing with the separate contract X and Y is having. ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि X और Y के बीच में क्या contract हुआ है, उसको मतलब है कि X, Y और उसके बीच में Z के बीच में क्या contract हुआ है. ठीक है अगर उसे पता भी है कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑल्दो सच थर्ड पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ ऑफ दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गोइंग टू टू गेट अफेक्टेड सो पर्सन जो है वो प्राइमरी लाइबल है वो लोग इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अरेन्जमेंट बिटवीन दैम डेट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट इट इज नॉट बीन सो सो बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अच्छे से समझ में आई होगी अगर आप लोग सेक्शन 132 समझ पाए हो तो इफ यू वांट आई विल मेक सेपरेट वीडियो वीडियो ऑन दिस बट मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने का सोचा तो so, आप लोग समझो कि एक्स वाई दो पर्सन है उसने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा ये एक्स वाई एंड जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वन कॉन्ट्रैक्ट इज देअर अब एक्स एंड वाई का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग सेपरेटली फॉर्म करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को और उसमें

सी बट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रे आप लोगों को वो टर्म्स देखना है यहाँ पे उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक्स वाई एंड जेड के बीच में that X says that वो होगा टू द ऑफ वन क्वार्टर बोलता है वो क्वार्टर तक जेड बोलता है वन हाफ तक अब कितना बी ने डिफॉल्ट कर दिया वन थाउजेंड रुपीज पे करने के लिए तो एक्स ये बताओ अब उसको कितना रुपीज देना पड़ेगा अब वन क्वार्टर निकालिए वन थाउजेंड रुपीज का दैट इज वन बाय फोर इन थाउजेंड

थाउजेंड करना दैट इज फाइव हंड्रेड रुपीज सो एक्स इज लाइबल टू दी टू पे पेपीजी रुपीज एंड्रेड रुपीज कैलकुलेट करना सीखो और करो वेरी 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 इजी इज इन डेट आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी एक्सप्लेन करा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन डू प्रेफर डेट ऑल्सो नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इट से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी

सिंपल इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर इज दी प्रिंसिपल डाटा वट एवर सम हीज राइटफुली पेड अंडर दी गारंटी ठीक है यू यू पीपल रेफर सेक्शन 145 हंड्रेड फोर्टी सो डायरेक्ट है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एम्प्लाइड प्रॉमिस होता है सो दिस वॉज इजी ऑल वर इजी आप लोगों ने देख लिए ए बी दैट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आप लोग पढ़ना यू पीपल कैन वॉच माई वीडियो ठीक है मैंने पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री तीनों कवर अप करा है आप लोग देखिए और एमसीक्यूज को सॉल्व करिए ये आपको पता लगा दे यू पीपल गेट टू नो डेट हाउ मच यू पीपल एक्चुअली नो अबाउट वट एवर यू पीपल हैव स्टडीड ठीक है एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज एंड यू पीपल ऑल्सो सजेस्ट मी कि मैं किस से रिलेटेड और बनाऊ एंड थैंक यू सो मच डू लाइक एंड सब्सक्राइब आई हैव ऑलरेडी सेड थैंक यू